स्वागत है गाइस राशि संदीप ब्लॉग्स में। आप सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। आज हम आए हैं कांके में और आपको लेके आए हैं कांके पे, और यहाँ पे क्रिसमस गैदरिंग हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्रिसमस गैदरिंग देखेंगे। और देख सकते हैं जगह जगह पे स्टॉल लगाया गया है क्रिसमस के लिए, काफी खूबसूरत स्टॉल लगाया गया है, देख सकते हैं ये सब स्टॉल है। तो चलिए हम लोग क्रिसमस गैदरिंग के लिए फिर हम लोग इंजॉय करते हैं, और आप लोग भी शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहे तभी मजा आएगा गाइस। आज कांके में गैदरिंग है तो उसी को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कांके में जो क्रिसमस गैदरिंग है वो कितना बेटर लगने वाला है। तो चलिए अभी फिलहाल अभी सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह का गैदरिंग लगने वाला है। आपका प्यार आपका आशीर्वाद इस इलाके के सभी लोगों को मिले, आपकी शरण में सबों को शांति मिले। यहाँ जो भी आएंगे आज वो साल भर की जिंदगी के दुख तकलीफों से उबर करके एक नई शांति, एक नए विश्वास, एक नई उमंग से अपने परिवार में लौट सके। ये पिता, जब तक हम आपके तैयार निवास में पहुंचते रहे हैं, इस जन्म का आशीर्वाद व्यक्तिगत तौर पर दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उतरे और सदा बना रहे, ये प्रार्थना मांगते हैं कि युगानुजीता और राज्य करता है। और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर, इस इलाके के सभी माता पिता भाई बहन, सभी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जिस प्रकार से भी अपनी व्यवस्था और व्यवसाय में लगे हैं, हम सबों के जीवन पर, हमारे बच्चों के जीवन पर, हमारे खेत खलिहानों पर, हमारे नौकरियों पर, हमारे जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के संबंधी जो है बीमारियां हैं उसको लेकर के जो अस्पताल रखे गए, इनके सारे डॉक्टर्स नर्सेस इस कैंपस पर, इस इलाके पर उतरे और सदा बना रहे, ये प्रार्थना मांगते हमारे प्रभु के द्वारा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आप सब आज नए इस जन्म त्योहार को मनाते हैं। ईश्वर को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है क्रिसमस का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, इस तरह से स्टॉल लगाया गया है और काफी अच्छा स्टॉल लगाया गया है। देख सकते हैं क्रिसमस से ये सब बिक रहा है गाइस, देख सकते हैं ये सभी, और भी स्टॉल लगाया गया है, देख सकते हैं ये सभी खाने का स्टॉल भी लगाया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देख सकते हैं काफी खूबसूरत खूबसूरत स्टॉल लगाया गया है। यहाँ ठंडा के मौसम है कि इसी वजह से यहाँ टी का स्टॉल भी लगाया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी यहाँ ठंडा है इसके वजह से लोग काफ़ी भीड़ में चाय की दुकान में हैं, देख सकते हैं। और क्रिसमस गैदरिंग यहाँ कांके में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। केक वगैरह स्टॉल भी यहाँ लगाया गया है, देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, काफ़ी खूबसूरत और बड़ा सा यहाँ गैदरिंग हो रहा है गाइस। और ये देख सकते हैं चिकन वगैरह सब सारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, और इस तरह का स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस क्रिसमस गैदरिंग में देख सकते हैं बुक वगैरह का भी यहाँ सेल किया जा रहा है, और यीशु जो है उन्हीं के उपलक्ष में यहाँ पे गैदरिंग किया जा रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टॉल इस तरह से लगाया गया है, आप आ सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं गाइस। एक स्टॉल इधर भी है, देख सकते हैं अंडा वगैरह चाय वगैरह का स्टॉल लगाया गया है, ठंडा का मौसम है इसलिए चाय वगैरह का स्टॉल में ज़्यादा ही बिक्री होगा। तो चलिए हम लोग अब क्रिसमस गैदरिंग का ये फ्रंट गेट है, देख सकते हैं, चलिए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं गाइस, और फिर मैं दिखाता हूँ गैदरिंग किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। क्रिसमस गैदरिंग देख सकते हैं,